अस्सलामुअलैकुम। ये किताब है अब्बा बताइए, जिसे लिखा है S.M. शाहिद साहब ने। और ये किताब 1981 में जब पहली बार ये छपी थी और मेरे हाथ लगी थी तो बस इस कदर मज़ा आया था, बल्कि सारे घर वालों ने, सब ने इसको पढ़ा था और हम बहुत लुत्फ़ानंदोज़ हुए थे। और ये किताब कहीं पर हमारे घर में कहीं छुप गई थी और पिछले दिनों ये दोबारा मुझे मिली है और मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपको इसमें से कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाती हूँ। तो इसमें जो फोटोग्राफी है, क्योंकि शाहिद साहब ख़ुद एक एडवर्टाइज़र हैं, एडवर्टाइजिंग की दुनिया से उनका ताल्लुक़ और उतना ही ताल्लुक़ उनका मौसीकी की दुनिया से भी। तो बहरहाल मैं आपको सुनाती हूँ। अब्बा, अल्लाह मियाँ ने चूंटी को सबसे छोटा बनाया है ना? हाँ। और हाथी को सबसे बड़ा बनाया? हाँ। इस घर में आप सबसे बड़े हैं? हाँ। और सादिया सबसे छोटी है? हाँ। अब्बा, चूंटी के का दिल भी चाहता होगा कि वो हाथी के बराबर हो जाए। पता नहीं, सादिया तो चाहती है कि वो आपके बराबर हो जाए। अब्बा, ये क्या है? ये गौतम बुद्ध का मुजस्समा है। मुसज्जमा क्या होता है? मुसज्जमा नहीं, मुजस्समा। वो क्या होता है बेटे? वो बिल्कुल ऐसे ही लगते थे। कौन? गौतम बुद्ध। वो कौन थे बेटे? वो एक राजा के बेटे थे, बाद में साधु बन गए। साधु क्या होता है बेटे? जो लोग दुनिया को छोड़कर फ़कीरी ले लेते हैं उन्हें साधु कहते हैं। अब्बा, लोग दुनिया को क्यों छोड़ देते हैं? अब्बा, गौतम बुद्ध कहाँ है? ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है कि अब्बा गौतम बुद्ध कहाँ है? उनका इंतकाल हो गया। कब? बहुत दिन हुए, पिछले ज़माने में। ज़माना क्या होता है बेटे? ज़माना दौर को कहते हैं, वक्त को कहते हैं। कभी पढ़ाई का ज़माना आता है, कभी छुट्टी का ज़माना होता है। ज़माना क्या बार बार आता है? कुछ ज़माने बार बार आते हैं, फिर गौतम बुद्ध का ज़माना क्यों नहीं आता? अब्बा, ज़माने को कौन बनाता है बताइए? हम बनाते हैं। अगर हम चाहें तो क्या ज़माने को रोक सकते हैं? बताइए। हाँ, कभी कभी रोक भी सकते हैं। तो फिर आपने और चाचा जान ने बचपन के ज़माने को क्यों नहीं रोका? अब्बा, ये क्या है बेटे? ये कायद आज़म का मज़ार है। कायद आज़म इसके अंदर बंद हैं? बंद नहीं हैं, दफन हैं। दफन क्या होता है? ज़मीन के अंदर जिस चीज़ को दबा दें उसे दफन करना कहते हैं। कायदे आज़म अच्छे आदमी थे ना? हाँ बेटे। फिर उन्हें किसी ने उन्हें ज़मीन के अंदर क्यों दबा दिया बेटे? उनका इंतकाल हो गया था तो ज़िंदा आदमी को दफन नहीं कर सकते? नहीं। क्यों नहीं बेटे? दफन करने से वो मर जाएगा तो फिर बंदूक से क्यों मारते हैं? और ये किसकी कब्र है? ये मोहतरमा फातिमा जिना की कब्र है। ये कायदे आज़म की बहन थी ना? हाँ। ये भी ज़मीन में दफन है? हाँ। अब्बा, कब्र को खोल के फातिमा जिना को देख सकते हैं? नहीं। क्यों? अब्बा, कब्र में क्या रास्ते बने होते हैं? क्या मतलब? फातिमा जिना अपनी कब्र में से कायदे आज़म की कब्र में जा सकती हैं? नहीं बेटे, फातिमा जिना का इंतकाल हो चुका है। इंतकाल होने के बाद इंसान इधर उधर नहीं जा सकता। फातिमा जिना मर गई? हाँ।
जैसे हमारा बकरी का बच्चा मर गया था। अब्बा, लोग जिंदा नहीं हो सकते, कयामत के दिन होंगे। कयामत का दिन कब आएगा? अब्बा, कयामत के दिन लोग किस तरह जिंदा हो जाएंगे? कयामत के रोज जितने मरे हुए लोग हैं वो सब जिंदा हो जाएंगे, बस हो जाएंगे अल्लाह मियाँ के हुक्म से। क्या हमारी गुड़िया भी जिंदा हो जाएगी? अब्बा, कयामत के रोज क्या लोग जन्नत में चले जाएंगे? हाँ, जो लोग चोरी करते हैं वो भी जन्नत में चले जाएंगे? नहीं, वो कहाँ जाएंगे? दोजख में। वहाँ क्या होगा? वहाँ आग होगी। वो लोग उसमें जलाए जाएंगे? हाँ। अब्बा, आपको पता है भैया ने एक दफ़ा फ्रिज में से मिठाई चुरा के खा ली थी। अब्बा, कयामत के रोज़ आप जन्नत में जाएंगे ना? पता नहीं। और अम्मी? पता नहीं। हम और सादिया कहाँ जाएंगे? जन्नत में। अगर आपको और अम्मी को दोजख में भेज दिया गया तो हम लोग दोजख में चले जाएंगे। हम भी आपके साथ दोजख में जाएंगे। अब्बा, नमाज पढ़ने से अल्लाह मियाँ खुश होते हैं? हाँ बेटे, अगर किसी को नमाज पढ़ने से खुशी ना हो फिर भी अल्लाह मियाँ खुश होंगे। अब्बा, कुत्ते दुम क्यों हिलाते हैं? जब कुत्ते खुश होते हैं या अपने मालिक को चाहते हैं तो दुम हिलाने लगते हैं, क्यों? बेटे, तो वो और क्या करें, मुंह से बेचारे कह नहीं सकते कि हम खुश हैं। भौंकते तो हैं। हाँ, भौंकते हैं, मगर हम उनकी ज़बान नहीं समझते। वो आपकी ज़बान समझ जाते हैं? हाँ। अब्बा, कुत्ते ज़्यादा अक्लमंद होते हैं ना? अब्बा, कोई और जानवर दुम नहीं हिलाता है? हिलाता है, गाय अपनी दुम से मक्खियाँ उड़ाती है। और घोड़ा? वो भी मक्खियाँ उड़ाता है। और बंदर? वो अपनी दुम से दरख्त में लटक जाता है। और कुत्ता दुम से दोस्ती करता है? हाँ, कुत्ता सबसे अच्छा होता है ना? अब्बा, अगर अल्लाह मियाँ इंसानों को दुम लगा दें तो वो दोस्ती करेंगे या मक्खियाँ उड़ाएंगे?